ये है HyperX की तरफ से नया मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड MKW100। क्या ये बढ़िया है? इसकी कीज कैसी फील होती हैं और क्या आपको ये लेना चाहिए या कुछ और? वेल, किसी टेक यूट्यूबर को ये वीडियो तो बनानी थी और मेरे से अच्छा काम कौन कर सकता है। हे व्हाट्स अप, मेरा नाम है शिवम। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस पे बेस्ट डील्स ढूंढना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ पहला लिंक चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले HyperX ने बजट गेमिंग कीबोर्ड निकाला था, जो कि था उनका Alloy Core RGB, जो कि एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड था और US में उसका प्राइस था $50। तो वो उनके लिए काफ़ी बजट वाला था और इंडिया में था कुछ 5-6 हज़ार रुपये का। अब उन्होंने उसका प्राइस रिड्यूस कर दिया, जो कि $30 बाहर के हिसाब से, तो मतलब 2,000-2,500 रुपये, पर अभी भी वो इंडिया में 4,000 रुपये का है। तो वो उनका एक एंट्री लेवल बजट गेमिंग कीबोर्ड था, तो उसका प्राइस कम करके इन्होंने इसको $50 पे लॉन्च किया है वहां पर, और इंडिया में लॉन्च किया है ₹7,390, जो कि काफी महंगा है। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पर बॉक्स को अगर ओपन करते हैं तो हमारे को यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, यूजर मैनुअल मिलते हैं, कीबोर्ड और एक फ्री रिस्ट रेस्ट। बढ़िया बात। अब डिज़ाइनर मटेरियल वाइज मैं कहूँगा कि इसके अंदर एल्यूमिनियम बॉडी दी हुई है, मतलब टॉप पैनल जो है वो एल्यूमिनियम का है, और इसके ऊपर ब्रश्ड एल्यूमिनियम की फिनिश दी हुई है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। और जो इसका बेस है वो इन्होंने प्लास्टिक में दिया हुआ है, जो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पर ओवरऑल कीबोर्ड काफ़ी सॉलिड लग रहा है। इसके अंदर कोई भी ऐसे फ्लेक्स वगैरह नहीं है। अगर मैं इसको फ्लेक्स करने की कोशिश करता हूँ तो काफ़ी टफ है, तो फिर हम प्लास्टिक से गुजारा कर लेंगे। अब ध्यान दें तो पूरे कीबोर्ड के ऊपर RGB आपको देखने को मिलेगी, और आप ये पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं HyperX की Ingenuity ऐप करके, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ के स्टोर से। अब अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ विंडोज़ के लिए ऐप है, आपके पास मैक में कोई ऐप नहीं है इसको कंट्रोल करने के लिए, पर आप इसको डायरेक्टली कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब इसके अंदर 6 प्रीसेट दिए हुए हैं, जैसे कि रेनबो, स्टैकिंग, सॉलिड, ब्रीदिंग, साइकिल, पेंट। अब हम इन पैरामीटर्स को चेंज भी कर सकते हैं ऐप के अंदर, और हम इस प्रीसेट को सेव भी कर सकते हैं, या फिर हम लिंक भी कर सकते हैं कि ये वाली सेटिंग जैसे हम कोई गेम लॉन्च करें या कोई ऐप लॉन्च करें तो उसके साथ प्रोफाइल चेंज हो जाए। तो वो भी एक बढ़िया फीचर दिया हुआ है इन्होंने इसके अंदर। ये कीबोर्ड वैसे कंपैटिबल नहीं है, अगर आपके पास दूसरे लाइटिंग डिवाइस हैं तो उनके साथ सिंक में नहीं चलता, ये एक प्रॉब्लम है इसकी। पर ये कीबोर्ड सपोर्ट करता है PS और Xbox, तो आप इसको अपने कंसोल के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब उसके अंदर भी आपको कोई ऐप की जरूरत नहीं है, आप सारी चीजें यहाँ कीबोर्ड से ही कर सकते हैं फंक्शन की मदद से, जैसे कि आप प्रीसेट चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, गेमिंग मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिसमें विंडोज की ऑफ कर देता है, उसको गलती से दबाओ तो दबती नहीं है वो। और हाँ, इसके अंदर कोई मीडिया कीज वैसे नहीं दी, कोई फिजिकल डेडिकेटेड मीडिया कीज जैसे कुछ गेमिंग कीबोर्ड में आपको देखने को मिलती है, पर इसके अंदर अगर आप FN दबाएं और जैसे कि F9, 10, 11 या फिर F6, 7, 8, तो इन सब से आप मीडिया भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। एक और बढ़िया चीज़ इसके अंदर ये है कि जो FN की है वो राइट साइड पे है, तो और ये सारे कंट्रोल्स भी राइट साइड पे हैं, तो आप सिंगल हैंडेड सारे कमांड कर सकते हैं, जैसे कि आप कीबोर्ड यूज़ करते हो प्रो, लाइक कीबोर्ड निंजा की तरह, ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे दबा रहे हैं दो उंगलियों से। तो अगर आप एक हाथ से यूज करते हैं तो आपको काफी आसानी रहेगी, आप सारे फंक्शन सारी कमांड आप एक हाथ से दे सकेंगे। बात करें ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स और कीबोर्ड के बारे में, तो ये काफी कंफर्टेबल है, और अगर आपका मन करे तो आप ये इंक्लूडेड रिस्ट रेस्ट भी अटैच कर सकते हैं अगर आपको चाहिए हो। वैसे कीबोर्ड काफी स्लिम है, आपको इसकी अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो भी आपका काम बढ़िया चलेगा, और अगर आपको थोड़ा सा ऐसे हाइट पे यूज करना पसंद है, जो कि वैसे अच्छी चीज नहीं होती करनी, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फीट्स दिए हुए हैं इसके नीचे, तो आप इसको ओपन कीजिए और आप इसको ऐसे एलिवेटेड सा करके काम कर सकते हैं। पर बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग चीज़ के बारे में, वो है इसके स्विचेस। तो यहाँ पर HyperX MKW100 में आपको मिलेंगे रेड लीनियर स्विचेस, जो कि काफ़ी बढ़िया हैं। इससे पहले मैं मतलब रेजर ब्लैक विडो एक्स क्रोमा यूज़ कर रहा था, जिसके अंदर उनके ग्रीन स्विचेस होते हैं, तो मेरे को कुछ टाइम लगा इसके रेड स्विचेस में थोड़ा अडाप्ट करने में। शुरू में एक्यूरेसी भी थोड़ी कम रही मेरी इसको यूज़ करते हुए, पर अब इसकी मेरे को आदत पड़ चुकी है और अब काफ़ी मज़ा आता है गेम खेलने में और काम करने में। अब मैंने इसको काफ़ी गेम्स पे टेस्ट वगैरह भी किया है, Assassin's Creed Odyssey वगैरह पे,
या कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस वॉरफेयर सब मैंने खेल के देखी है। मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा, मेरे को काफी सही लगा ये गेमिंग कीबोर्ड। टाइपिंग वगैरह के लिए बहुत बढ़िया नहीं लगा मुझे, चूज करूंगा अगर मेरे को मौका मिले तो मैं लूंगा कि ब्राउन स्विचेस लूं या फिर मैं इसके एक्वा स्विचेस लूंगा। पर दिक्कत की बात यह है कि ये वाला कीबोर्ड सिर्फ और सिर्फ इन्होंने रेड स्विचेस में निकाला है, आपके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है। उसके सिवा ये कीज डस्ट प्रूफ है, एंटी घोस्टिंग है और कुछ और फीचर्स वगैरह हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अब एक जल्दी से इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बिना साउंड टेस्ट के कोई भी मैकेनिकल कीबोर्ड की वीडियो अधूरी है। तो ओवरऑल मेरे ओपिनियन में HyperX MKW100 एक ग्रेट बजट गेमिंग कीबोर्ड है। अगर आप सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपका ज़्यादा पैसे खर्चने का मन नहीं है गेमिंग कीबोर्ड पे तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं और बेस्ट डील्स के लिए आप नीचे दिया हुआ लिंक चेक कर सकते हैं। और ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ US वाले लोगों और बाकी दुनिया के लोगों के लिए है, इंडिया के लिए मैं अपनी वर्ड बदलना चाहूंगा। अब इंडिया के हिसाब से ये एक अच्छा कीबोर्ड है मतलब स्टार्टर्स वगैरह के लिए, पर ये बिल्कुल भी मेरे ख्याल से जस्टिफाई नहीं करता इसका प्राइस जो कि 7,390 रुपीज, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं एक एंट्री लेवल गेमिंग कीबोर्ड के लिए। इस बजट में आपके पास काफ़ी प्रीमियम ऑप्शन आ जाते हैं जैसे कि रेजर वगैरह की तरफ से या कोर्सेयर की तरफ से, और मेरे ख्याल से जैसे कि HyperX ओरिजिन एलॉय भी है वो भी इससे बढ़िया होगा थोड़ा, जो कि सेम प्राइस में है, 1,000 रुपये का फर्क होगा शायद, और वो भी इसके साथ अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है तो आप वो वाला ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप वो पिक कीजिए, आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में से वो भी चेक कर सकते हैं। पर ये थी आज की वीडियो, मैं आपसे मिलूंगा इस वेंसडे 7 PM। जी हाँ, हमने हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड करने शुरू कर दिए हैं तो रिमाइंडर लगा लीजिए। उससे भी बढ़िया क्या कर सकते हो, आपकी सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। तो रिमाइंडर वगैरह छोड़ो, जब मर्जी हफ्ते में कभी भी 7 के 7 या 8 के 8 दिन जब मर्जी अपलोड करूँ, मैं कभी भी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, लाइक और शेयर तो बनता ही है। मैं आपसे मिलता हूँ कुछ दिनों में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे सेफ, बाय बाय।